सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रेशम सिद्धू, तुसी देख रहे हो के एल फास्ट न्यूज़। बठिंडा जिले के 6 विधानसभा हल्कों च कई आजाद उम्मीदवारों के नाल नाल 4 बड़ियां पार्टियां के उम्मीदवारों ने भी नॉमीनेशन पत्र दाखिल कर दिए हैं। तलवंडी साबो सीट की गल करिए इतों अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार जीत महिंदर सिद्धू, कांग्रेस तो खुशवास सिंह जटाणा, बीजेपी पार्टी तो रविप्रीत सिद्धू, आम आदमी पार्टी तो प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने नामजदगी पत्र दाखिल कर दिए है। इस दे नाल ही साबका मंत्री हरमंदर सिंह जस्सी ने कांग्रेस तो बागी होकर नामजदगी पत्र अज भरे आ। तलवंडी साबो तो साबका मंत्री हरमंदर सिंह जस्सी दे कांग्रेस तो बागी होकर आजाद फार्म भरे जाने तो बाद सियासी हलचल तेज हो गई हैं। हरमंदर सिंह जस्सी 1992 ते 1997 च तलवंडी साबो तो MLA रहे हैं ते 2007 च बठिंडा सीट तो भी विधायक रहे हैं। हरमंदर सिंह जस्सी हुण तक लगातार 7 विधानसभा चोणां लड़ चुके हैं, जिन्हां विचों उन्हां नूं 3 वार जित हासिल होई सी ते 1 वार फिर चोण लड़न लई तलवंडी साबो तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चोण लड़ रहे हैं। तलवंडी साबो के नगर कौंसल दफ्तर च नामजदगी पत्र दाखिल करन तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जे लम्मा समा सेवा की है, पर हल्के दे लोकां दी मंग ते ही उन्होंने आजाद चोण लड़न का फैसला लिया। अपने लोगों नाल रह करके लोगों के दबाव हेठ आके लोगों ने कहा कि तुसी आजाद लड़ो। मेरी पार्टी की जिहड़ी पुरानी कांग्रेस पार्टी रही है, उन्होंने लोगों भी जिहड़े वर्कर सीगे, जिहड़े होर पार्टियां दे वर्कर है, सारे ने मैनूं कहा भी तुसी आजाद लड़ो, इस धरती ते रहे हो, पहलां भी सेवा की है, तुसी दोबारा इत्थे आओ आके लोगों की सेवा कर सको। की मुद्दे रहने वाले तुहाडे? मुद्दे इत्थे सारे मुद्दे है, पंजाब हर पासे बीमार है, पंजाब दे बुनियादी सहूलतां कन्नै लोक दुखी है, पंजाब दे अंदर भ्रिष्टाचार गुंडागर्दी जो कुछ हो रहा है तुहानूं सारा ही पता है, पंजाब दी धरती ते चिट्टा बिक रहा है, ये सारे मुद्दे है। जिहड़े साडे स्कूलां दे हालात है, मास्टर हॉस्पिटलां दे डॉक्टर हैं, ये भी मुद्दे है। ये सारी जिहड़ी लड़ाई है असीं लड़ांगे अपने हल्के की खातर, अपने लोगों की। मेरी पार्टी च मैं तकरीबन 35-40 साल लाए, मैं मेरी पार्टी का डिसिप्लिन च रहा। मेरी पार्टी ने पहला मैनू इत्थे 3 वार इलैक्शन लड़ाया, फिर जीत महिंदर सिंह सिद्धू ते महाराजा अमरिंदर सिंह ने रल के मैनू इत्थों कढ़ता, फिर मैं रामपुरे चले गया, रामपुरे तो बाद मैनू बठिंडे पे। बठिंडे जदों मैं इलैक्शन लड़न लग गया, इलैक्शन लड़दे लड़दे ने आपकी सीट तकड़ी कर ली, फिर मनप्रीत ने उत्थों कढ़ता, फिर मैनू मौड़ भेजता। फिर मैं अपने मन च धार ली भी जदों मैं हुण इलैक्शन लड़ना, आजाद लड़ना, लोगों की सलाह नाल लड़ना, लोगों नूं नाल लैके लड़ना, अपनी तलवंडी साबो की धरती ते इलैक्शन लड़ना। मैं जिहड़ी पार्टी 40 साल लाए है, मैं उहदे बारे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा। मैं तो एक अपने एरिए दे अंदर इलैक्शन लड़ना, ना ही मैं कोई इत्थे उपराला कीता है, क्योंकि मैं तो अपने घर च बैठ गया सी। जिहड़ी इत्थों की गुंडागर्दी सी, जिहड़ी इत्थे भ्रिष्टाचार जां इत्थे जिहड़ी करप्शन फैली सी, वो सारी नूं देख के मेरे लोग सारे इकट्ठे होकर मेरे नाल उन्होंने आके आख्या कि जस्सी साहब, तुसीं 3 वार इलैक्शन लड़ के गए हो, इत्थे तां बड़ी अमन शांति रही है, तुसीं तां अतवाद दे दिनां च रहे हो, उदों अमन शांति रही है, तो हुण अमन शांति च गुंडागर्दी आ गई, तुसीं इन्ना चिर कांग्रेस की सेवा करी है, तुसीं एक बार हल्के की सेवा करके देख लो। तुहानूं दस दईए कि साबका मंत्री हरमंदर सिंह जस्सी सरसा दे डेरा सच्चा सौदा दे प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह दे रिश्तेदार है। मालवा इलाके दीआं 69 सीटां ते डेरे दा काफ़ी असर दस्सिया जांदा है। डेरे दी राजनीतिक विंग दा दावा है कि पंजाब च करीब 40 लाख श्रद्धालु है। इस हिसाब नाल मालवे दी हर विधानसभा सीट ते करीब 22 तों 25% वोट बैंक डेरा दा है, जो उम्मीदवारां दी जित हार दे समीकरणां नूं बदल सकदा है। तलवंडी साबो तों उम्मीदवारां दी गिणती वधण नाल हुण मुकाबला हसमां बणदा जा रिहा है। तलवंडी साबो तों पार्टियां दे उम्मीदवार दिन रात एक करके वोटरां तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आने वाला समा ही दसेगा कि किसका पलड़ा भारी रहिंदा है। इस तरह दी होर जानकारी भरिया खबरां देखने लई इस चैनल नूं सबसक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस जरूर करो, ताकि अगली खबर का नोटिफिकेशन तुहाडे मोबाइल तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।